राम जन्म भूमि अयोध्या में जैसे ही भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से पूरा देश राममय बना हुआ है। हर जगह जश्न का माहौल है, हर तरफ श्री राम के जयकारे लग रहे हैं, तो वही माया नगरी मुंबई में भी वातावरण राममय बना हुआ है। हर कोई इस अवसर को अपने अंदाज में सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वही हर उत्सव को बिल्कुल अलग अंदाज में सेलिब्रेट करने वाले अंधेरी के प्रथमेश सोसाइटी के सदस्यों ने रामलला के इस महा उत्सव को भी अनोखे अंदाज में मनाया, जिसको देख आप यह कह सकते हैं कि वाह, प्रथमेश सोसाइटी। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के अवसर पर प्रथमेश सोसाइटी के रहिवासियों ने मिलकर भगवान श्रीराम की महाआरती फिर हुआ। रामकथा का आयोजन, जिसमें बाहर से किसी कलाकारों को ना बुलाकर सोसाइटी के ही सदस्यों ने रामायण के अनुसार अपना अपना किरदार निभाया, तो परिसर का वातावरण राममय हो गया। राम रावण और सीता बने। इन किरदारों का परफॉर्म देख सभी मनमोहित हो गए। इस स्वयंवर में श्री राम जी ने शिव धनुष भंग कर उनके विवाह में सम्मिलित होते हैं। जैसा कि आपने देखा, हम प्रथमेश वाले ऐसे तो सारे सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स, यहाँ पे होली, दिवाली, नवरात्रि, सारे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं। बट आज मोदी जी के कारण हमारे बिल्डिंग में एक और फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का मौका मिला। हमने आज हमने राम जी को यहाँ पे स्थापित किया, अयोध्या नगरी बनाई हमने प्रथमेशवासी को। इसमें हमने बहुत सारे बच्चों के कार्यक्रम रखे, जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, और हमने ऐसा पूरा रामायण का किरदार यहाँ पर किया जिससे कि पूरे सब लोग एकदम खुश हो गए। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हर साल की तरह आज राम नवमी मनाई गई, मतलब 22 जनवरी जो मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया, उसी मौके पर हर जगह बहुत त्यौहार मनाया गया, जैसे हमारे प्रथमेश में, और बहुत अलग तरीके से, मतलब यार छोटा रामायण घटा हमारे प्रथमेशवासी ने परफॉर्म किया। राम बने, सीता बनी, शबरी बनी, लक्ष्मण बना, रावण बने, बच्चे भी उसमें पार्ट लिया, एक अलग तरीके से यह रामायण बनाया गया। वैसे देखने जाए तो प्रथमेश में कुछ अलग ही होते रहते हैं, तो कलाकार है, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे कलाकार यहाँ है, आप देख सकते हो। तो जैसे पूरे देश में आज राम, अयोध्या में राम मंदिर जहाँ पे राम की मूर्ति की प्रतिष्ठापना की हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी ने, वैसे ही प्रथमेश में भी हमने बहुत अच्छी तरह से आज का दिन स्वागत किया। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने राम सीता सबके रोल किए, मैं जिसको शबरी का रोल करने का आज अवसर मिला, भाग्य मेरे शबरी जिन्होंने झूठे बेर खिलाए थे श्री प्रभु रामचंद्र को और धन्य हो गई थी, मुक्ति मिल गई थी उसे, उसी तरह से हमारे प्रथमेश में आज जो हुआ है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे देश में जैसे हो रहा है अच्छा लगा बहुत। आज हमें राम लीला में काम करने का मौका मिला, जो कि 50 साल से वेट कर रहा था, आज ये मौका
मुझे मिला है और बहुत ही अद्भुत लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तृप्त हो चुका हूँ। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।